खबर जम्मू कश्मीर से, जहां के डोडा के भद्रवाह में पत्थरबाजी की जानकारी है। कर्फ्यू के बीचों बीच भद्रवाह में पत्थरबाजी हुई है। पत्थरबाजों पर आंसू गैस के जो गोले हैं वो छोड़े गए। पुलिस और एसओजी की टीम्स और सीआरपीएफ के जवान मौके पर मौजूद, हालात को काबू में करने के लिए सेना को बुलवाया गया। डोडा का भद्रवाह इलाका जहां पर पत्थरबाजी, कर्फ्यू के बीचों बीच पत्थरबाजों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। पुलिस की तमाम टीम, सीआरपीएफ की टीम्स और एसओजी इनके जवान मौके पर मौजूद हैं। हालात काबू में करने के लिए सेना को बुलवाया गया है। इस खबर पर करते हैं बात। जितेंद्र शर्मा जो चुके मेरे संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पे, साथ ही साथ खालिद जो है ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जितेंद्र का रुख करते हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से हालात वहां पर तनावपूर्ण है, कर्फ्यू के बीचों बीच माहौल खराब करने के लिए पत्थरबाजी हुई है, इस वक्त का क्या ब्रेकिंग इनपुट आपके पास जितेंद्र शर्मा? देखिए निधि, इस समय हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। जो जम्मू के डोडा इलाके के अंदर भद्रवाह इलाका है, वहां पर कल से ही स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी और अब से कुछ देर पहले स्थिति और खराब हो गई थी, जब वहां पर जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किया और वहां पर नारेबाजी की। पुलिस ने उनको रोकने के लिए, खदेड़ने के लिए वहां पर टीयर गैस का इस्तेमाल किया है और वहां पर लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। हालात इस तरह के हैं वहां पर इस समय कि वहां पर डीआईजी रेंज, एसएसपी और वहां पर मौजूद है। इसके अलावा तीन जिलों के अंदर, यानी कि डोडा, रामबन और किश्तवाड़, इन जिलों के अंदर कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहां पर जो इंटरनेट है उसको बंद कर दिया गया है। हालात को काबू करने के लिए जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो वहां पर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा पैरा मिलिट्री फोर्स को वहां पर डिप्लॉय किया गया है और साथ ही सेना की भी मदद ली जा रही है। सेना को भी वहां पर बुलाया गया है ताकि हालात को वहां पर जल्द से जल्द काबू में लिया जा सके। जो जिस तरह से कल से वहां पर हालात खराब होने शुरू हुए थे, रात को हालांकि फिर भी स्थिति जो थी कुछ कंट्रोल में आई थी पुलिस कर्मियों के, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन आज सवेरे अचानक से जो प्रदर्शनकारी वहां पर बैठे हुए थे उन्होंने जब पत्थरबाजी की तो उसके बाद से हालात फिर से बिगड़ने शुरू हो गए थे, जिसको लेकर के वहां पर टीयर शेल्स का इस्तेमाल किया गया। जी निधि, बिल्कुल मैं लौटूंगी जितेंद्र शर्मा साझा कर रहे हैं ग्राउंड पर। खालिद हमारे साथ है। खालिद, पत्थरबाजों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, अतिरिक्त फोर्सेस की ओर डिप्लॉय किया गया है, हालात काबू में रहे उसके लिए पुरजोर कोशिश जारी है। आप चूंकि ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, क्या दिखा पाएंगे? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जो प्रदर्शनकारी है जो जामा मस्जिद भद्रवाह है उसमें घुस गए थे और वहां से उन्होंने जो है बाहर सुरक्षा बल थे उन पर पथराव किया। जवाबी कार्रवाई में आंसू गैस के गोले दागे गए। अब उस मस्जिद को इर्द गिर्द जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और उन प्रदर्शनकारियों को बताया जा रहा है कि वे यहां से तुरंत निकले, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। और कल से ही यहाँ तनावपूर्वक माहौल है पूरे भद्रवाह में। हालांकि तुरंत यहाँ पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था क्योंकि भद्रवाह में कम्युनल क्लैशेस की हिस्ट्री रही है, उसको देखते हुए जो है एकदम से कर्फ्यू लगा दिया गया। सेना को स्टैंड बाय रखा गया ताकि अगर जरूरत पड़े तो सेना फ्लैग मार्च करे और पेट्रोलिंग करे। लेकिन इस वक्त सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस, खुद एसएसपी जो डोडा के हैं अब्दुल कयूम, वो स्पॉट पर है। इसके अलावा डीआईजी जो डोडा रेंज के हैं वो भी वहां पर बैठे हुए हैं। लेकिन चूंकि चिनाब वैली की अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, किश्तवाड़ हो, डोडा हो, रामबंद हो या फिर भद्रवाह हो, ये इन जगहों पे कम्युनल क्लैश की हिस्ट्री रही है, इसलिए एहतियात के तौर पर किश्तवाड़, डोडा और रामबंद में, हालांकि रामबंद में जा रहे हैं। जिस तरीके से हम इन इलाकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, मौजूदा हालात आपके माध्यम से हम दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।